ये बैठक लोकसभा के चुनाव को लेके नहीं है, ये बैठक देश में जो संवैधानिक संकट की स्थिति उसको लेके राहुल जी की न्याय यात्रा दक्षिण से उत्तर तक देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और अब पूरब से पश्चिम मणिपुर से मुंबई तक चल रही है और हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि राहुल जी की इस यात्रा में हम लोगों के क्षेत्र को भी चुना गया। जितना देश के लोग हम आप भी उसमें शामिल हैं, माने कि चंडीगढ़ में जो हुआ ऐसी स्थिति देश में कभी भी दोहराई जा सकती है। शंकराचार्य जी लोगों की बात को नहीं माना जाएगा, ऐसी स्थिति देश में बन सकती है। राहुल जी की यात्रा के पीछे इस प्रकार के मकसद हैं कि लोग जागरूक हों, जागृत हों। हम जागरूक हो सकते हैं लेकिन जागृत हैं क्या? हम जागरूक हैं, हमने कभी सोचा था कि चंडीगढ़ हो सकता है? हमने कभी सोचा था कि शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य जी की बात धार्मिक मामलों में नहीं मानी जाएगी? हमने कभी सोचा था? मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर चिंता लोगों के जो मन में है, राहुल जी के जो मन में है, उसको लेके राहुल जी इस यात्रा में शामिल हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।